हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। नागेश करजगी ऑर्चिड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। हमारे भारत देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए अपने स्कूल के संस्थापक माननीय कुमार दादा करजगी, अपने स्कूल के सचिवा वर्षाताई विभूते और अपने प्राचार्य रूपाली हजारे मैडम, इनके सहयोग से हमारे दादा ने शिक्षण आपल्या दारी ये संकल्पना शुरुआत की है। मुझे लगता है जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा था, वो सही अर्थ में हमारे दादा ने पूरा किया है। इस बात का हम सभी को बहुत गर्व महसूस होता है। उनके इस शैक्षणिक योगदान के लिए हम सभी के ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बात पर एक क्लैप तो बनता है। हमें इस तरह से ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ रहा है, इसका कारण है पूरे विश्व में फैला हुआ COVID-19 का प्रकोप, जिसके वजह से हम लोग लॉकडाउन 1 से लेके 5 तक आ पहुँचे हैं। इस COVID-19 से हमें बचना है तो कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो ये नियम है इस तरह से, COVID-19 से सुरक्षितता का उपाय। कोरोना से सुरक्षित कैसे रहे? घर पर आए तब ध्यान रखें, घर जाने के बाद कहीं भी न छुए। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे घर के पेरेंट्स, कुछ लोग घर के बाहर जाते हैं, तो आने के बाद उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि किसी के कौन से भी घर में आने के बाद किसी को भी ना छुए। उसके बाद सेकेंड है, अपने हाथ साबुन और पानी के साथ साफ करें। हमने बच्चों, आपने स्कूल में हैंड वॉश डे सेलिब्रेट किया था, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हाथ किस तरह से धोना है। तीसरा है, बिना ढके अंगों को साफ करें या नहा लें। तो बच्चों, जो अंग अपना जहाँ पर कपड़ा नहीं है, तो वो जो बिना ढके अंग है उसको अच्छी तरह से साफ करना है, धो लेना है। चौथा है, अपनी चाबी, बटुआ, बैग एक नियुक्त जगह पर रखें। यानी जो लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, अगर घर से बाहर जाते हैं तो हम लोग बटुआ वगैरह यूज़ करते हैं, ये अच्छी तरह से एक ही जगह उसके फिक्स करके उस जगह पे उसको रख देना है। उसके बाद पांचवा है, फ़ोन, चश्मा, चाबी 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से साफ करें। सामान, उसके बाद है छठा, सामान रखने की जगह को 1 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर ब्लीच मिलाकर ग्लव्स पहनकर साफ करना है। यानी हमें हाथ में हैंड ग्लव्स पहनकर टीवी वगैरह, हमारा जो भी कुछ फर्नीचर है, वो इस तरह से साफ सफाई उसकी करना है। अपने जूते ब्लीच पानी और कपड़े से साफ करना है। यानी अगर हम लोग जूते, चप्पल, जो भी कुछ यूज़ करते हैं, वो घर के बाहर ही रखना है और उन्हें अच्छी तरह से साफ करना है। अपने कपड़ों को अलग लॉन्ड्री बैग में रखें। यानी जो हम लोग कपड़े यूज़ करते हैं, वो लॉन्ड्री बैग में रखना है। पालतू जानवर को बाहर ले जाने के बाद उसके पंजे पोछे। यानी जिसके पास पेट एनिमल्स है, जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, तो उसको अगर हम बाहर से लेकर आते हैं अंदर, तो उसकी साफ़ सफाई अच्छे से करें। इसके बाद बच्चों, हम लोग जो ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई को आप लोग अच्छे से करने के लिए कुछ नियमावली मैंने बनाई हुई है। तो ये नियमावली है छात्रों के लिए, कुछ नियमावली। घर में रहकर भी स्कूल की तरह नियमित समय के अनुसार तासिका का अध्ययन अध्यापन करें।
यानी आप लोग घर पर हो तो ऐसा नहीं समझना कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। जैसे स्कूल में जाते हो, बेंच पर बैठते हो, उसी तरह से अच्छे से बैठना है और जो अपना टास्क चल रहा है, पीरियड चल रहा है, उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई आपको करना है। दूसरा है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बैठे तब अपने विषयानुसार नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाएं। यानी जो आपका पीरियड चल रहा है, तासी का चल रहा है, उस पीरियड का नोटबुक और टेक्स्ट बुक आपको लेकर बैठना है। अपने साथ कंपास बॉक्स लेकर बैठे जिसमें पेंसिल, रबर, पट्टी हो। यानी आप लोग इस बात का ख्याल रखना है कि कंपास बॉक्स साथ में लेना है, पेंसिल, रबर और पट्टी, इसका यूज़ आपको करना है। जब आपको अध्यापक कुछ लिखने बोलते हैं तो इस बात की आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद चौथा है, अध्यापक जब लेखन के बारे में सूचना दे तभी लेखन करें। तो इन चीज़ों की, इन नियमावलियों की सभी छात्रों को अच्छी तरह से लोकन करना है, वो सूचना का पालन करना है। पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई शुरू करने से पहले, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आप लोग देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये किसका नक्शा है बता सकते हो बच्चों? आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह, ये किस बात का नक्शा है? तो ये नक्शा जो है इंडिया का नक्शा है, अपने भारत देश का नक्शा है। इस भारत देश के नक्शे में आपको और क्या दिखाई दे रहा है, कोई बता सकता है आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस भारत देश के नक्शे में आपको तिरंगा झंडा दिख रहा है। इस तिरंगी झंडे में कितने कलर्स है? इस झंडे में तीन कलर है, एक है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। तो इन तीनों कलर का अपने अपने जगह पे अपना महत्व है। केसरी रंग का क्या महत्व है? तो केसरी रंग हमें साहस और बलिदान सिखाता है। सफ़ेद रंग हमें क्या सिखाता है? सफ़ेद रंग हमें शांति और पवित्रता दिखाता है। इसके बाद आता है हरा कलर, ये कलर हमें क्या सिखाता है? तो हमें ये सिखाता है संपन्नता, हरियाली। बीचों बीच ये जो नीला अशोक चक्र दिख रहा है उससे हमें क्या प्रतीक मिलता है? तो इससे हमें न्याय का प्रतीक मिलता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा है, किसी देश की एकता और उसकी अखंडता की पहचान उस देश का राष्ट्रीय झंडा होता है। यह रंग देश के गौरव का प्रतीक होता है। तो ये तो आपको समझ में आया हमारा भारत देश किस प्रकार से समृद्ध है। ये जो चित्र आप देख रहे हो, इसका वर्णन कोई कर सकता है क्या? इस चित्र से आपको क्या प्रतीत होता है? ये हमारे देश का ग्रामीण भाग का परिचय देता है। आप लोग देख सकते हो इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है? उगता हुआ सूरज, बहती हुई नदी, चारों ओर फैली हुई हरियाली और ये अच्छे से छोटी सी कुटिया। ये आह्लाददायक, ये वातावरण देख के हमें बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। तो ये हमारे भारत देश का चित्रण है। तो इस तरह से हमारा भारत देश इतना सुंदर है। हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट, भारत कितना प्यारा है, इस पाठ का आज पठन करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट, भारत कितना प्यारा है। इस कविता में हमें दिखता है कि यहाँ पर की प्राकृतिक सौंदर्य, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य, मातृभूमि के प्रति अपनी आस्था और कर्तव्य, पेड़ पौधों से त्याग, परोपकार और सेवा, इन गुणों की प्रेरणा हमें इससे मिलती है। इस पाठ में इसका अभ्यास हम करने वाले हैं। इस पाठ का सारांश है, इस कविता में भारत के चट्टानी प्रदेश, भारत के उत्तर में जो चट्टानी प्रदेश है हिमालय का आकर्षण, यहाँ पे बहने वाली निर्मल ऐसी गंगा की धारा, यमुना नदी,
इसका वर्णन इस कविता में किया है। इस कविता में हमें बताया गया है कि यमुना और गंगा नदी के अमृत धारा से हमारी ये जो भारत भूमि है वो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम हो गई है। इस भारत भूमि ने हमें क्या क्या दिया है, फल दिए हैं, फूल दिए हैं, और क्या दिया है कि जैसे कि माँ अपने बच्चों को जैसे बड़ा करने के लिए सब कुछ निछावर कर देती है, उसी तरह हमारी भारत माता भी हमें सभी तरह से सभी तरह से हमें सब कुछ देती है, यानी हमें अन्न देती है, वस्त्र देती है, निवारा देती है, हमें खुली सांस लेने के लिए हमें हवा तक ये प्रदान करती है। इसका अभ्यास हम इस पाठ में करने वाले हैं। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है। तो भारत के उत्तर की ओर हिमालय का पहाड़ है। बच्चों आपको पता है हिमालय की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की ऊंचाई है 8,448 मीटर, यानी फीट में अगर हम इसको गिनेंगे तो ये होगा 9,393,093 फीट। तो यह हिमालय ऐसा पहाड़ है जहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। ये भारत का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है और इसी पहाड़ी इलाके में से, ये हिमालय के पहाड़ से गंगा नदी की पवित्र ऐसी अपनी गंगा नदी का उगम होता है। तो यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंगा की धारा है। उसके आगे कवि क्या कहते हैं, यमुना लहराती है सुंदर, भारत कितना प्यारा है। यमुना कैसी है, कैसे लहराती है? सुंदर तरीके से यमुना ये लहराती है। लहराती है यानी वो तरंगित हो जाती है, उसका फ्लो हो जाता है। आप लोगों ने भूगोल के किताब में पढ़ा होगा कि जहाँ पर नदी नाले बहते हैं उसके आजू बाजू का जो परिसर होता है वो हरियाली से ढका होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जमीन सुपीक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो इसी तरह यमुना जहाँ से भी निकलती है तो उसके आजू बाजू का परिसर कैसे होता है, आह्लादायक होता है और हरियाली से विभोर हो जाता है। और इसकी वजह से जब ये गंगा और ये यमुना नदी बहती है तो हमारा भारत कैसा लगता है, हमें प्यारा लगता है, क्योंकि वहाँ का निसर्ग सौंदर्य देखने जैसा होता है। आपको पता है यमुना नदी के पास जो प्राचीन इमारत है उसका नाम क्या है? यमुना नदी के पास जो प्राचीन इमारत है उसका नाम है ताज महल, बराबर। तो उसके आगे हम देखेंगे, फलों फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है। तो ये गंगा जमुना जब बहते हुए आगे निकलती है तो वो हमें फल देती है, फूल देती है, इस तरह से हमारी ये भूमि भर जाती है और खेतों में क्या होता है, हरियाली छा जाती है। आपको पता है फूलों के नाम क्या है? फूलों के नाम है चंपा, चमेली, जाई, जुई। और फलों के नाम जल्दी से बता दो, फलों के नाम क्या है? आप तो खाते होगे ना। हम लोग फल फूल इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? फूलों का इस्तेमाल किसी भी जगह को सुशोभित करने के लिए, कोई देव देवताओं को चढ़ाया जाता है और कुछ लोग उसको अपने बालों में भी लगाते हैं। तो इस तरह से फूलों का उपयोग होता है और फलों का हमारी सेहत अच्छी बनाने के लिए फलों का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये फल कौन से हैं? जैसे कि अमरूद है, आम है, जामुन है, तो इस तरह के सफरचंद है, पाइनएप्पल, अनानास है, तो इस तरह के फल हम लोग सेवन करते हैं। ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? तो इसी भारत भूमि से हमें ये सब कुछ मिलता है। आमों के डाली पर बैठी गाती कोकिल काली है। तो मौसम सुहाना है, सुनहरा बन गया है,
और इसके वजह से कोकिला अपना अच्छा मधुर ऐसा गान गा रही है। तो ये कोकिला कैसे सुरों में गाती है, किसी को पता है कोकिला कैसा आवाज़ करती है? हाँ बोलो, बराबर है। कोयल कैसे गाती है? कुहू कुहू। और आम के डालों पर बैठकर ये कोयल गा रही है। उसके आगे है, बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है। माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती, जब हम छोटे होते हैं तब हम उस पर ही निर्भर होते हैं। वो सभी बातों का ख्याल रखती है, जैसे कि हमें नहलाना, हमें पालना पोसना, हमारा टिफ़िन बना कर देना, हमारी पढ़ाई लेना, सब कुछ बात कौन करती है? हमारी माता ही करती है। तो उसी तरह ये धरती माता भी हमें लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है, जैसे कि हमें अन्न देती है, फूल देती है, फल देती है और शुद्ध हवा भी हमें देती है। और उसके बदले में वो हमसे कुछ भी इच्छा नहीं रखती। जैसे माँ हमें पालती है, उसी तरह ये धरती माता भी अपना प्यार हमारे ऊपर निछावर कर देती है। लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। तो कवि का कहना है कि माता का पालन पोषण में जितना सहयोग है उतना ही सहयोग इस धरती माता का है। धरती माता भी हमें इसी तरह से प्यार से दुलार से पालती है। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी। कवि आगे कहते हैं, तुम ये भी बात मत भूलो कि जो आप पानी पी रहे हो, ये पानी आपको कहाँ से मिला है, तो ये भी आपको धरती माता से ही मिला है। और आप जो खेलते हो तो वो कहाँ पर खेलते हो, धरती माता के मिट्टी में ही खेलकर आप बड़े हुए हो। चलो हवा में किसकी बोली, बच्चे प्यारे भारत की। तो हवा जो आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, हवा लेते हो, वो कहाँ से लेते हो, इसी धरती से लेते हो। इसी धरती माता के वजह से आप लोग ऑक्सीजन ले पा रहे हो। तो इस तरह से हमारे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इस कविता से हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्नावली है वो आपको मैं पूछूंगी। आपको अपना देश कैसा लगता है? हाँ बोलो, बराबर है। आपको अपना देश अच्छा लगता है। आपको अपने देश की कौन सी वस्तुएं अच्छी लगती है? हाँ बताओ, आपको अपने देश की कौन सी वस्तुएं अच्छी लगती है? पर्यटन स्थल अच्छा लगता है? ओके, आपको पर्यटन स्थल अच्छा लगता है क्योंकि आप वहाँ पर घूमने जाते हो, वहाँ की हरियाली देख के आप प्रफुल्लित हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। आप लोग परिवार के सब जाते हो तो बहुत मज़े करते हो, आनंद लूटते हो। इसके वजह से आपको यहाँ के पर्यटनीय स्थल जो है वो अच्छे लगते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? आप देख रहे हो फिलहाल में COVID-19 की वजह से जो महामारी छाई हुई है, तो इसमें डॉक्टर्स लोग, नर्स, साफ सफाई कामगार, पुलिस, ये सभी अपने भारत माता को सहयोग ही कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो क्या बनना चाहोगे? अच्छा, कोई बनना चाहता है शेतकरी, कोई बनना चाहता है सैनिक बन के वो सीमा का रक्षण करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। हाँ सही बात है, डॉक्टर बन के आप रुग्णों की सेवा करोगे। नर्स बन के आप क्या करोगे? नर्स बन के आप बीमार लोगों की सेवा करोगे। और पुलिस बनकर क्या करोगे? पुलिस बनकर लोगों का संरक्षण करोगे। अच्छी बात है। इसी तरह से और भी कुछ आप कर सकते हो क्या? हाँ, हमें अगर हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को अबाधित रखना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपने ख्वाबों को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हिमालय की ऊंचाई कितनी है?
पाठ पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था हिमालय की ऊंचाई है 84 48 मीटर, और वो जो फुट में उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 29,029, इतनी हिमालय की ऊंचाई है। यमुना नदी के पास कौन सी प्राचीन इमारत है? यमुना नदी के पास ताजमहल यह इमारत है, बराबर है। कोयल कैसे गाती है? कोयल कुहू कुहू ऐसे गाती है। तो बच्चों आपने सही जवाब दिया। अभी हम लोग भारत कितना प्यारा है इस कविता का गान करेंगे। सभी मेरे पीछे गाओ। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है। अच्छी तरह से गाओ। यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है, सुंदर भारत कितना प्यारा है। फलों फूलों से भरी भूमि है, खेतों में हरियाली है, आमों के डाली पर बैठी गाती कोयल काली है। बच्चों माने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, बच्चों माने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, लेकिन यह मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। तुमने पानी पिया कहाँ का, खेले मिट्टी में किसकी, चले हवा में किसकी बोली, बच्चे प्यारे भारत की। गुड। तो बच्चों मैंने जो पाठ पढ़ाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको सबके समझ में आया होगा। इस कविता में हमने भारत के उत्तर की ओर के बर्फानी चट्टानियों, हिमालय का आकर्षण, स्वच्छ और निर्मल गंगा, यमुना नदी की अमृत धारा, उससे बहती हुई जो अमृत धारा है उससे धरती अपनी हरियाली बनती है, फूल फलों से भरी हुई अमराई, कोयल की कूक से चहकते वनों का सुंदर चित्रण हमें इस कविता में दिखाई पड़ा। इस कविता के ऊपर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है हम उसको सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर का सही का निशान लगाइए। इस देश में किसकी धारा बहती है? नील नदी की, गंगा नदी की, इंडस नदी की? बताओ कौन सा आंसर बराबर है। ठीक है, बराबर है, सही है, गंगा नदी की। यहाँ की भूमि सेकंड है, यहाँ की भूमि किससे भरी है? चिड़ियों से, फलों फूलों से, धन धान्य से? बताओ कौन सा आंसर है। फलों फूलों से, बिल्कुल सही। तीसरा है, काली कोयल कहाँ बैठकर गाती है? तालाब के किनारे, घर की छत पर, आम की डाली पर? बताओ। हाँ ठीक है, बराबर है, आम की डाली पर, यही आंसर सही है। हमें किसने पाल पोस कर बड़ा बनाया है? पिता ने, माँ ने, हिमालय ने? बताओ इसका सही आंसर कौन सा है, पिता ने, माँ ने या हिमालय ने? माँ ने, सही है। इसके बाद सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलिए। भारत की कौन सी नदी लहराती हुई सुंदर लगती है? बताओ। आपको समझ में आ गई ना कविता, इसका आंसर क्या है बताओ। भारत की कौन सी नदी लहराती हुई सुंदर लगती है? यमुना, सही जवाब है। सेकंड, आमों की डाली पर कौन बैठती है? कौन बैठती है आमों की डाली पर? कोयल, सही है। हमने कहाँ का अन्न खाया है बता सकते हो? हमने कहाँ का अन्न खाया है? भारत माता का, सही आंसर है। बच्चों पेज नंबर 11 ओपन करो, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यही हिमालय सा पहाड़ है, आगे क्या है बोलो। हाँ सही है, यही गंग की
धारा है, यही हिमालय सा पहाड़ है, यही गंग की धारा है, यमुना लहराती है सुंदर। आगे क्या है बताओ, बताओ जल्दी से। हाँ सही है, भारत कितना प्यारा है। उसके आगे है, बच्चों माँ ने पाल पोस कर, आंसर दे दो इसके आगे क्या लिखना है। बच्चों माँ ने पाल पोस कर तुमको बड़ा बनाया है, सही है। उसके आगे, लेकिन मत भूलो तुमने, बराबर है, लेकिन मत भूलो तुमने अन्न कहाँ का खाया है। तो इस तरह से ये कविता के पंक्तियाँ हमें पूरी करना है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानि पता है ना आपको, विरोधार्थी शब्द। बड़ा के विरुद्ध क्या आता है, बड़ा। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और उसका आंसर लिखना है। क्या आएगा बड़ा के विरुद्ध है, छोटा, सही है। उसके बाद है काला, काला के अपोजिट क्या है, क्या आएगा काला के अपोजिट, सफ़ेद, गुड, बराबर। उसके आगे है भरा, भरा के विरुद्ध क्या आएगा, भरा के विरुद्ध खाली, सही है। उसके बाद है सुख, सुख के विरुद्ध क्या आएगा, दुख, सही है। नीचे दिए क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायी वाची शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको पर्याय दिए गए हैं और आपको ये इसमें से शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट वन है भूमि, भूमि का पर्यायी शब्द कौन सा है बताओ, इसमें से कौन सा है, वायु, पुष्प, धरती, पवन, कुसुम, पृथ्वी। भूमि का पर्यायी शब्द है धरती और पृथ्वी, गुड। उसके बाद है हवा, हवा का पर्यायी शब्द है पवन और वायु, ये भी आंसर सही है। उसके बाद है फूल, फूल का पर्यायी शब्द क्या है बताओ जल्दी से, फूल का पर्यायी शब्द है कुसुम और पुष्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उदाहरण देकर नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये यहाँ पर दिया है हिमालय, इसकी वेलांटी यहाँ पर पहली है और ये इसको सेकंड दी है, ये गलत है तो यहाँ पर ये सही किया है, हिमालय। इसी तरह हरियाली, हरियाली में क्या गलती हो गई है, ये जो र की वेलांटी है उसको गलत दिया है तो उसको सही करना है, र को पहली वेलांटी देना है हरियाली। ल की वेलांटी ये सही है गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पर दूसरी वेलांटी आती है, यहाँ पे र को पहली वेलांटी देना है और ल को दूसरी देना है और इस तरह से वर्ड्स लिखना है हरियाली। उसके बाद है कोकिल, हम लोग कोकिल बोलते हैं या कोकिल बोलते हैं, यहाँ पर दो मात्रा दिए हैं तो ये गलत है, यहाँ पर एक ही मात्रा आ जाएगी, को की ल। ये की भी वेलांटी, ये जो है ये फर्स्ट वेलांटी दी है तो यहाँ पर ये सेकंड आएगी, ये मात्रा एक कम होगा, को की ल, इस तरह से इसको लिखना है। लास्ट वन है लहराती, तो यहाँ पर ती को जो पहली वेलांटी दी है उसको सेकंड देना है, लह राती, और रा को भी यहाँ पर काना नहीं दिया है, लह र को काना देना है, ती की दूसरी वेलांटी लहराती। तो इस तरह से हमने ये पाठ का पठन किया है। अगर आपको कुछ इसमें से समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।